हाँ जी देखो हम आप इस जो चैप्टर विचों टोटल दोवें पेपर तीन क्वेश्चन आए हैं। टोटल एक पेपर च दो क्वेश्चन आए हैं, एक पेपर च एक आया। तो पहले आप देखते हैं सवाल कि एक बैग में पांच लाल गेंद है, कुछ नीलियाँ। जेकर बैग में नीली गेंद कढ़ने की संभावना लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद बैग में कढ़ने तीन गुना है, ठीक है, मतलब नीली बॉल की प्रोबेबिलिटी है और रेड नालों तीन गुना है, ठीक है। तो दसना कि टोटल ब्लू बॉल कितनी है नीलियाँ, ठीक है। ये बैग कंटेन फाइव रेड बॉल सम ब्लू बॉल। तो देखो किमें करांगे, इस बार बाई ऑप्शन ही होजू अपना, तो फॉर्मूले नाल ही होजूगा। सो देखो पहला आप रेड बॉल मननी है फाइव, तो ब्लू मनो एक्स, टोटल कितनी हो गई फाइव प्लस एक्स, ओके। सो पहला आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कढ़ते हैं कितनी हो, सिंपल कितनी फाइव बाय फाइव प्लस एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कढ़ते कितनी होगी वो अपने को एक्स बाय फाइव प्लस एक्स, ठीक है। हम ध्यान देखियो जी गल, तो जेकर आप नी ब्लू गेंद नूं बाहर कढ़ते हैं ब्लू बॉल नूं, ठीक है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल नालों तीन गुना है, ठीक है, इधर ब्लू है इधर रेड है। जे मान लो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पांच है, मान लो छे है ना, तो ब्लू की कितनी होगी तीन गुना ज़्यादा अठारह ही होगी, है ना, ठीक है। तो एक होर एग्जाम्पल दो, जे रेड बॉल अपनी हुई चार, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी तिगनी है कितनी होगी बारह। हम थोड़ा इतों ध्यान समझो, हूँ आप मान लो एक पास बारह है एक पास चार है, हम इन दोनों इक्वल करना, मतलब चार की मल्टीपल तीन करा, ठीक है। तो हम देखो हम उवी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू है, ठीक है। हम जो तीन की मल्टीपल की चार ना की है, ठीक है, सो चार किन मनिया रेड न मनिया, जी तीन की मल्टीपल कहते रेड ना करा। सो इत थ्री मल्टीपल करेंगे, क्यों करेंगे इक्वल लिया वास्ते, ठीक है ना। सुन करो इतने थ्री मल्टीपल फाइव अपॉन फाइव प्लस एक्स, तो इधर एक्स अपॉन फाइव प्लस एक्स, तो ये ना कट्टे जाऊगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टीन आ गई। सो ऑप्शन फर्स्ट अपना की है आंसर है, ठीक। हाँ जी सैकेंड सम देखो अपना कि करेक्ट मैच में एक बैट्समैन तीह बॉल खेड के, ठीक है, तीह बॉल खेड के बॉल नू छे वार हैट करता है, छे वार की हैट करता है, ठीक है, छे वार हैट करके बॉल नू बाउंड्री लेंदा है। तो आपां प्रोबेबिलिटी लभनी है कि वह सीमा नू ना हिट करे, मतलब वह की है डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कि बाउंड्री नू हिट ना करे। अपने को दिता की है बाउंड्री की है गिवन है। सो देखो पहले टोटल बॉल कितनी अपने को भाई तीह है, तो बाउंड्री किन्ने बॉल से मिलती उन्हों छे गेंदा से, फिर किन्ने बॉलों की बाउंड्री नहीं मिलती अपन, तीह माइनस छे कर दो कि हो गया चौबी हो गई, ठीक है। तो सिंपल जी गल प्रोबेबिलिटी लभनी है नॉट बाउंड्री की, कि बाउंड्री ना मिले। सो कि आजगा किन्ने वारी बाउंड्री नहीं मिलती, चौबी वारी बटा तीह कर दो, कट के आंसर कर दो चार बटा पाँच। सो ऑप्शन डी यदा की है आंसर है, ठीक। हाँ जी थर्ड सम देखो अपना इस चैप्टर का कि ए बॉक्स कंटेन ट्वेलो बॉल आउट ऑफ एक्स आर ब्लैक, कि अपने को टोटल कि बारह गेंद है जी, जो एक्स कि ब्लैक है, सिक्स मोर बॉल विच आर ब्लैक, जो छे गेंद होर ब्लैक ये पा दिए, आर पुट इन द बॉक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल नाउ इज डबल ऑफ वट इट वाज बिफोर, कि मतलब जे मान लो अपना छे गेंद ये होर पा दिए तो जी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पहला नालों दुगनी है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी की पहला नालों दुगनी, ठीक है। मान लो जी पहला दस है जो छे गेंदा पा दी कि डबल भी हो गई, ठीक है ना। सो इस बार बाई ऑप्शन भी हो जूगा। सो आप बाई ऑप्शन ही करते हैं, देखो कि मान लो आप देखो कि आप एक्स लभना है, एक्स मैंने
ब्लैक बॉल लभनी है, ठीक है। मान लो ऑप्शन ए दे बारे गल करते हैं, पहला ब्लैक बॉल कितनी है, दो है, तो टोटल कितनी हो गई, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी होगी भाई अपनी, 2/12 कट के कितनी होगी, 1/6। तो फिर बाद चुने 6 गेंदा बता दी, तो ब्लैक कितनी 8 हो गई, तो फिर ये कितनी होगी, ये भी 20 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/20 कट के आ गया अपना 4/5। हम दोवें फर्क की देखना है, दोवें फर्क ये देखना कि अपनी प्रोबेबिलिटी दुगनी होगी, प्रोबेबिलिटी की दुगनी, 1/6 का दुगना कितना होता है, 1/3 होता है, पर अपना आंसर कितना 4/5। तो पहली ऑप्शन भी कट्टी गई, रिजेक्ट हो गई। तो देखो दूजी ऑप्शन बारे कि मान लो ब्लैक बॉल कितनी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी भाई कितनी होगी, 3/12 की कट के आंसर कितना गया, 1/4। हुण 1/4 का दुगना करो किन्ना आंसर है, 1/2 बनता है ना, 1/4 का दुगना 1/2 बनता है। सो देखो ब्लैक बॉल 3 मनी है, सो हुण इस 6 बॉलों बता दी हैं किन्नी हो गई, 9 हो गई ब्लैक, टोटल 18, 9/18 किन्ना, 1/2, 1/4 का दुगना किन्ना बन गया, 1/2 बन गया। सो हुण एक इहदा मतलब ऑप्शन बी अपने इहदा की है आंसर है, ठीक है। सो इस तरह अपना एक्स की वैल्यू 4 भर के भी चैक कर सकते हैं, ठीक है। सो इस और बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं, सो आप इन अं करा तो ये फॉर प्रोपर तरीके करना है, जिमें आप पहला सवाल किए ना आवला उमें करा एग्जाम्पल मान के रिलेशन बना के, सो उमें भी कर लें। देखो देखो कर दें कि आप टोटल बॉल कि अपने को भाई 12, तो ब्लैक किन्नी है एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किन्नी होगी, एक्स बाय 12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किन्नी है ब्लैक दी, एक्स बाय 12। फिर दूजी बारी उन्हें की है कि ब्लैक बॉल की गिनती 6 बढ़ गई, मतलब ब्लैक किन्नी हो गई, एक्स प्लस 6 हो गई, तो टोटल बॉल किन्नी हो गई, वह भी 18 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू ब्लैक किन्नी होगी, 18/x+6, ठीक है। सो देखो हम कहानी की इतने इनू ध्यान देखो, तो काली गेंद कढ़न की संभावना पहला नालों दुगनी, पहला नालों दुगनी, मतलब मान लो जेकर आप जो पहला अभी ओल्ड इन ओल्ड मान लो जी ओल्ड प्रोबेबिलिटी ब्लैक की वह 10 है, फिर न्यू कितनी हो जाएगी, पहला नालों दुगनी 20 हो जाएगा, मान लो ओल्ड कितनी सी अपनी 30, आ कि न्यू 60, मतलब ओल्ड नालों दुगनी। हम मान लो आ एग्जाम्पल चकते आप कंडीशन बनानी है, 30 60 के बराबर लेके आना है, यदा मतलब 30 की मल्टीप्लाई करनी 2 दे नाल, 30 की मल्टीप्लाई करनी 2 दे नाल, ठीक है। हम इतों आपको हेल्प मिलेगी कंडीशन बनाने वास्ते, फिर 30 है वह कि अपना ओल्ड है ना, जो 60 है वह की है न्यू है, सो जो ओल्ड है वो मल्टीप्लाई कर दो 2 दे, ठीक है। ओल्ड अपना रहा 2 मल्टीप्लाई एक्स बाय 12, ठीक है, टोटल 18, ठीक है, अपने एक्स प्लस 6/18, तो एक्स प्लस 6/18, सो कि 2x/12, एक्स प्लस 6/18, तो जो अपना हम इन कटिंग कर दिए 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18x+, हाँ जी 18 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 18x हो, ठीक है, 18x इधर 6x+36, ठीक है, 6x इधर लो, 18x-6x=36, तो 12x=36, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सो एक्स मन ब्लैक बॉल, एक्स की वैल्यू कितनी, 3, तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई, 3 हो गई। सो ऑप्शन बी फिर भी की है आंसर है, ठीक है। सो ये सवाल आप दोनों तरीके कर चुके हैं, सो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वो अपना की है कंप्लीट है, ओके। जे थोड़ी वीडियो वधिया लगी तो लाइक शेयर सबसक्राइब
जरूर करना, ठीक है।